शहर के बाहर से आने वालों का सीमा पर हो रहा स्वास्थ्य परीक्षण। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कोरोना के चलते राजधानी में पुलिस व मेडिकल टीम द्वारा बिहड़ी राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर लोगों की जांच की प्रक्रिया लगातार चालू है। थाना क्लाइमेट टाउन क्षेत्र अंतर्गत अशार रोडी चेक पोस्ट पर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा राजधानी से बाहर जाना लगा रहता है, जिसका सिलसिला लॉकडाउन में भी बदस्तूर जारी है। अशार रोडी पर पुलिस टीम के साथ ही 2 से 3 स्वास्थ्यकर्मी नियमित तौर पर सहारनपुर की तरफ से आने वाले वाहन सवार व्यक्तियों का शारीरिक तापमान जांच कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्तियों के परमिट जांचे बिना आगे बढ़ने नहीं दिया गया। बाहर से आने वालों में मुख्यतः स्वास्थ्य कारण, मृत्यु संबंधित कार्यों से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा केवल 2 ही व्यक्तियों को चौपहिया वाहनों में आने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस द्वारा आज भी 1 व्यक्ति द्वारा 4 लोगों को शहर में जाने के लिए इजाजत मांगने पर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर केवल 2 लोगों को ही परमिट देख आगे जाने दिया गया। दरअसल शहर में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा पहले लॉकडाउन में ही संपूर्ण राज्य के जिलों में बाहरी राज्यों से लगती सीमाओं को सील किया गया था। हालांकि उस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को परमिट दिखाने पर ही शहर में आना जारी रखा गया था। बाहरी राज्यों में संक्रमण में इजाफे के चलते शासन द्वारा शहरवासियों की सुरक्षा के लिए सीमा से सटे चेक पोस्ट पर ही स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस टीम के साथ तैनाती अनिवार्य की गई थी, जिससे संक्रमित मरीज को बाहरी सीमा पर जांच कर उचित इलाज दिया जा सके और शहर को संक्रमण रहित रखा जा सके। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।